जन्नत की हदीये एक कश्ती में जन्नत के खत्म हो गई है। मैंने ही जल्दी है इसको। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। अभी देखो भाई, सुबह के 9:57 हो गए। तुम्हारा भाई मारेगा आज लेट एंट्री। और उससे पहले रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ भाई, एक सेकंड। अभी जस्ट ना मेरा नजर गया उस चीज के ऊपर, ये देखो यार, ये भाई, ये पता नहीं मेरे रूम में कहाँ से आ गई। मेरे ख्याल से वहां से आई है ये रात के टाइम पे। और भाई यार ये मर चुकी है, देखो तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद ये वही है जो उस दिन आई थी उड़ के अपने रूम में, जो उड़ नहीं पा रही थी, उसको चोट लगा था आंख पे। लेकिन ना इसके आंख पे कुछ नहीं हुआ, देखो दोनों आंख सही है। मैं सो रहा था ठीक है, नहा के जब मैं आया इस वाले रूम में, मेरी नजर पड़ी भाई फर्श पे नीचे, देख रहा हूँ कि भाई ये गिरी पड़ी है उल्टा होके। जब कॉलेज से आता हूँ ना तो इसका कुछ देखते क्या करना है, बाकी करेंगे क्या यार, वैसे भी मर चुकी है। अगर थोड़ा बहुत भी जिंदा रहते हैं तो मैं पानी वानी पिला के ये कुछ तो कर देता। और अभी मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ भाई लेट, 10 बज गए। चलो आज चलते हैं, लेट एंट्री मारेंगे भाई आज। और आज फिर से हमारा मनहूस दिन, फिर से मैं जाऊंगा, फिर से सिग्नल बंद होगा, फिर से कहीं कॉलेज बंद होगा। आज कॉलेज बंद हुआ ना भाई, पूरा कॉलेज बंद कर दूंगा यार मैं। चलो भाई देखते हैं क्या सीन है। नहा धो के मैं मस्त रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। अभी चाबी भी ले लिया है भाई, बैग लेते और चलते फटाफट से। बस यार आई होप कि आज खुला हो प्लीज। अभी देखो भाई अम्मी ने ये दे दिया खाने को, तो यही खा लेता हूँ फिलहाल मैं। बाकी जो है अपना जाके खा लेंगे टाउन में यार, कुछ भी पड़किया हो गया यार, रसगुल्ला कुछ भी खा लूंगा भाई मैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो इसको यहीं छोड़ के चलते हैं भाई। बैग वैग ले लिया मस्त, चलो भी निकलते हैं। तो दो बार हो गया आज, अगर हो गया ना तो तीसरी बार हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं कि बंद होता है तब मैं जाता हूं भाई, किसी ने बताया तब मैं गया दो बार, तब बंद मिला, आज भी किसी ने बताया और आज अगर बंद मिला क्या बोलूं। तुम एक बार खुद सोचो, अगर कोई नहा के मस्त परफ्यूम मार के और ड्यूक लेके जा रहा है, कुछ सोच रहा है भाई, तो सोचने नहीं देते यार, प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने देते भाई कॉलेज वाले। बंद है अधोती है यार भाई, इतनी मुश्किल से कोई इंसान कॉलेज तक पहुंचता है। कॉलेज का रास्ता कभी तुम्हें मैं दिखाऊंगा भाई, इतना बेकार है ना कि अगर तुम फुल पेट खा के जाओगे तो यूं 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 करके खाना तुम्हारा वहीं पच जाएगा भाई आराम से। रोड बहुत ज्यादा बेकार है भाई, वो सिग्नल के आगे थोड़ा वो रोड बहुत बेकार है, कभी दिखाऊंगा मैं। तो इतनी मुश्किल के बाद भाई, इतना स्ट्रगल करके जब कोई जा रहा है कॉलेज में और ऊपर से सुनने मिलता है बंद, क्या बीतेगा यार दिल पे बताओ। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो आज खुला होगा इंशाल्लाह भाई, आज जरूर खुला होगा। अभी करते गाड़ी स्टार्ट। और उसका क्या करूं यार मैं, वो चिड़िया जो है गोड़े है वो तो मर चुकी है मेरे रूम में आके, एकदम जहां पे मैं सो रहा था ना उसके जस्ट थोड़ा सा साइड में। पता नहीं किसी ने मार दिया या ऐसे ही मर गई वो, पता नहीं अब क्या सीन है। अभी चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। लो भाई ये भी बंद मिल गया, ये देखो ट्रैफिक देखो भाई, पूरा जाम भाई। ऑलरेडी मैं लेट हो गया और ऊपर से 10-15 मिनट अभी यहाँ पे पूरा जाम है भाई आगे तक। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं और ये रहा वेस भाई, 15 मिनट लग गए यार सिग्नल पे, दो ट्रेन पार हुई उसके बाद भी धीरे 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 कछुआ जैसा चलते हैं ना वैसे। इतने देर में तो यार मैं घर से 2 राउंड मार के आ जाता भाई। और ये 5 बार इसने कॉल कर दिया। तुम कब आए? क्या बात कर रहे हो, इसलिए तो इतना कॉल कर रहे थे भाई तुम। मैं करता हूँ तो भाई मैं पूछता हूँ तो तुमसे सही बताया नहीं जाता है। 2 बार तुमने भाई टाइम वेस्ट करवाया था मेरा, 2 बार। ठीक है ठीक है चलो। तो चलो भाई अभी पहुंच चुके हैं और आज फाइनली कॉलेज भी खुला है भाई, तो बाइक को पार्क करते हैं और उसके बाद चलते हैं क्लास में। तो गाइस अभी बाइक को यहां पर पार्क कर दिया है और अभी चलते हैं भाई क्लास में। ओवेश भाई लेके जाएंगे, ओवेश भाई तुम्हें ही पता है यार, मुझे कुछ नहीं पता था ये भाई। पता है हम लोग लेट आए थे तो क्या हुआ, एक टीचर थे, पता नहीं कौन से टीचर थे भाई वो। हाँ भाई टीचर आने के बाद यार बोल रहे कि अंदर नहीं आना, भाग निकाल भाग, ऐसे बोल रहे भाई, तो ऐसे बोल रहे कि जाओ जाओ। और भाई उनको क्या पता कि मैं एकदम टाइम से 5-10 मिनट पहले आया था। वो सिग्नल जो है ना उसके चक्कर में 20 मिनट वेस्ट हो गया मेरा। पहले तो 3 ट्रेन क्रॉस हुई, उसके बाद जब सिग्नल खुला, फिर उसके बाद धीरे 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 एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं भाई लोग, तो कैसे होगा यार इतना जाम वहां पे। अब उस रास्ते से भाई मैं कभी भी नहीं आऊंगा यार, अब दूसरा रास्ता देखेंगे। है कोई दूसरा रास्ता? है ना, उधर से घुमा के आना पड़ेगा ज्यादा। कोई बात नहीं यार, थोड़ा लंबा रूट पड़े, कम से कम खाली तो मिले यार यहाँ जब भी आओ बंद। और अभी फिलहाल हमारा फिजिक्स का क्लास है और कोई टीचर नहीं, तो हम लोग बैठे हैं भाई। और ये दूसरे क्लास में हम लोग बैठे हैं, अपने क्लास में कोई टीचर है नहीं, यही क्लास है भाई हमारा। ये देखो अभी टीचर नहीं आए, शायद उनके पैर में कुछ हो गया है ना। हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, जो भगा रहे थे ना उन्होंने ही बताया कि अभी जो टीचर है फिजिक्स के उनके पैर में कुछ हो गया तो आज नहीं आ पाएंगे। इसके बाद जो पीरियड होगा ना उसमें सर आएंगे। और यहाँ से देखो ये जो ग्राउंड है ना भाई पूरा साफ कर दिया, ठंड के टाइम में यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने का सोच रहे हैं, अभी साफ हो रहा है धीरे धीरे। और अभी साफ होने के बाद यहाँ पे मतलब कि क्रिकेट वगैरह और भी बहुत सारे मैचेस होते हैं ना। वही इतना बड़ा ग्राउंड है भाई, दूसरे दूसरे जगह से टीम भी आती है यहाँ पे गेम खेलने। अच्छा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से? हाँ मतलब कि ये कॉलेज से। कॉलेज? अच्छा अलग अलग कॉलेज से।
वही मैं सोचू इतना बड़ा ग्राउंड है और अपना क्लास भाई वो है वहाँ देखो एक लड़का बैठा है वो भी रील देख रहा है। तो गाइस अभी क्लास खत्म, अभी निकलते भाई घर के लिए, स्टेशन पे आया था भाई को छोड़ने के लिए, कल मिलते भाई। इसमें से एक और एक इसमें से खाना है भाई, पैक कर दिया। ओके भाई मिक्स करके दिया दोनों में से। भाई कुछ खा के नहीं आया था मैं घर से, इसलिए भूख लगी बहुत ज्यादा। खत्म। चलो भाई फिर रसगुल्ला लेते हैं और चलते हैं घर, अम्मी ने मांगा था वैसे पातिया के लिए। हो गया भाई कहाँ है, यहाँ पे करते हैं पे। तो गाइस अभी सब कुछ ले लिया है, तेल भी डलवा लिया भाई गाड़ी में, अभी चलना है घर। भाई गाइस मैं यहाँ पे रुका हुआ था और आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो भाई हाथी और ऊंट एक साथ। ये देखो भाई हाथी देख के बच्चे खुश पूरा, देखो भाई ये लोग कितने एक्साइटेड हो गए हाथी देख के सब। भाई नजदीक आ रही है, स्कूटी को तो नहीं मारेगी ना, शांत स्वभाव के रहते हैं भाई ये लोग बहुत ज्यादा। अपने रास्ते पे चलते हैं भाई, बस हाथी की चाल चलो भाई, लोग बोलते हैं ना हाथी की चाल चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? ये भाई देखो कितनी बड़ी है भाई, इसके पैर में क्या डाल रखा है यार इन्होंने, साला पैर देखो भाई। किसी का पैर मोटा होता है तो कोई बोलता है ना हाथी का पैर, बहुत बड़ी है भाई बहुत ज्यादा। अभी ऊंट ये लेके आ रहे हैं भाई यहाँ पे, इनका देखो भाई सब आ गए भाई स्कूल छोड़ के। ये भाई देख लो ऊंट, रेगिस्तान में चलने वाला घोड़ा। अभी मैं ना यहाँ पे एक काम से आया था तो मैंने रास्ते में देखा तो मैंने सोचा दिखाता हूँ यार। चलो जो काम के लिए मैं आया हूँ उसके लिए चलते हैं भाई। भाई मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बंद ही मिल रहा है भाई, ये देखो अभी यहाँ भी बंद। चलो कोई ना भाई ट्रेन तो आ गई, ये भी ट्रेन दूसरी है, पहले एक जा चुकी है ये दूसरी है, मालगाड़ी है भाई वैसे ये। चलो गई खोल दो अंकल, चलो भाई खुल गया चलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल जो मैं सिवान से लेके आया था मिठाई उसका होने वाला है अभी कहानी, और करने वाला कौन है रेहान। रेहान को सारी चीजें पता है भाई, फातिहा कर देता है खुद से देखो भी आ गया, और बाकी अजान देता है सब कुछ करता है भाई, मस्जिद में तकरीर बोलता है सारी चीजें। और अभी देखो भाई ये कहानी करने वाला है, वजू बना है ना उड़ता, चलो कोई बात नहीं। ये रेहान कहानी करने वाला है तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना किताब को। उस दिन 12 रबीउल के दिन भाई इसने नाथ शरीफ पढ़ा था, बाकी अभी कहानी करने वाला है भाई। चलो सही है भाई, घर में एक इंसान होना चाहिए ऐसा। और रेहान नमाज भी पढ़ता है भाई, बहुत अच्छी बात है, फक्र है भाई माशाल्लाह रेहान पे मुझे। अभी कहानी करेगा भाई, चलो सैयद रजा की कहानी और दूसरा वाला ये है 10 बीवियों की कहानी। 10 बीवियों की कहानी, चलो भाई ये तो हिंदी में ही आरिश पढ़ने वाला था लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा। उसको छोड़ो इसका देख लो भाई, इसी रूम में अभी होने वाला है कहानी और ये बैठ के गेम खेल रहा, बंद करो और अभी भागो जल्दी, ये बंद करो जल्दी से। जब भी मैं इसमें कुछ करता हूँ ना भाई ये खेलता ही है गेम। पढ़ोगे तुम वो दूसरी वाली बुक हिंदी में जो, क्यों नहीं आएगा? हिंदी नहीं आता मतलब, हिंदी नहीं आता तो आओ पढ़ो फिर। तो गाइस अभी हम लोग कहानी सुनते हैं क्योंकि कहानी जब कोई पढ़ता है ना तो बैठ के सुनते हैं। मैं जमजम बनी को भी मैं बुला देता हूँ, सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ पे। बनी कहानी सुनना है? कोई कर जाऊं अभी अभी दाफत जन्नत की हदीये, एक कश्ती में जन्नत की जियारत वालिबास लेकर हाजिर हुआ, सलातो हुरों ने अपने हाथ से जनाबे सैयद को लिबास और ज़ियारत से आरास्ता किया और सवारी में बैठाया। खत्म हो गई है नहीं जल्दी इसको अभी बोला भी इसने कि इन सब चीजों के सामने मैं पढ़ूंगा कैसे मौलाना मौलाना तो दूसरा निकला भाई खाने पीने वाला, नहीं तो पूरी हो गई ना। तो दूसरा पढ़ो फिर। तलाशे रोजगार के लिए चला गया और उसकी बीवी हद से ज्यादा परेशान थी, दिल में कहती यह पालने वाले रब तू ही रोजी देने वाला है, अब तो मेरा शौहर पति, शौहर यहाँ पर हिंदी में भी लिख रहा है, शौहर भी चला गया, अब मुझको कौन खाना देगा। दोनों हो गया हो गया, पहला लुकमा मौलाना उठाएंगे थोड़ा थोड़ा सा बिस्मिल्लाह करके खाओ, पहले तुम खाओ ले लीजिए, तो पहले तुम खाओ यार आप लीजिए तो। रुक जा बिस्मिल्लाह करिए। कैमरामैन को दिया जाए बनी और खाना है, अब आओ इधर आओ एक और खाओ, आ जाओ बाद में खा लेंगे, मन तो नहीं। तुम खाओ भाई, तुम तो कब से यार अकेले ही खा जाएंगे मौलाना अकेले ही खा जाएंगे सब, देख रहे हो कैसा मौलाना है भाई। चिरागी के बदले में रसगुल्ला खाना चिरागी के बदले में तुम भी खा लो एक और। नहीं चिरागी मिला तो है, कितना मेरे लिए होगा, मुझे लेगा ना दोगे ना तुम मुझे, तुम्हें क्यों मिलेगा भाई, किया उसने सब कुछ तो पूछ लीजिए।
भाई 500 रुपए चिरागी तुम्हारा है तो 50-50 हो जाए। 300 कौन वे मारूंगा ऐसा 300 क्यों 200 तुम 200 ये 100 ये बड़ा कौन है बड़ा मैं हूँ हम तीनों में थे हाँ तो भाई किया इसने है ना सब कुछ नहीं गलत बोल रहे हैं 300 एक ही थी तुम मतलब 300 किसको दोगे तुम लोग मुझे दोगे देखिए तुम्हें नहीं चाहिए 300 डरता है मुझसे फालतू में बाद में बनी हिसाब करके चली गई 300 तुम 100 ये 100 वो अरे क्या करेंगे पैसे का वही क्या करोगे बता दे तो जो दो मम्मी को दे दो दोबारा क्यों तुम्हारा मैं मतलब अरे मम्मी के पास रहेगा तो मम्मी जब भी काम पड़ेगा मम्मी से ले लेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें नहीं कुछ खा लेना देखो 500 है ना 100-200 रुपए के कुछ खा लेना आपसे ही कुछ मंगवा लेंगे जाएंगे दोबारा हाँ मैं जाऊंगा ना जब कॉलेज मंगवा लेना कुछ और बाकी मम्मी को दे देना कंफ्यूज है ये लोग कि आखिर खर्च कहाँ होगा तो छोड़ो भाई तुम लोग 100-200 खर्च कर देना बाकी ला के दे देना मुझे या मम्मी को इसमें गोल वाला भी है दोनों है गोल वाला नहीं खाना मैंने वो भी खाओगे खा लो खा लो जल गया क्या रेहान ने हटाया नहीं सर तो जला दिया ज्यादा उसने उसने नहीं मैंने यार यहाँ पे भी दो जगह दो थे ना इसलिए बे यार तुम नीचे नहीं रख सकते थे इसको